नमस्ते, मैं सुमित कुमार, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं 28 ईयर ओल्ड हूँ। आई एम राइट आर्म फास्ट बॉलर एंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन। क्रिकेटिंग जर्नी वैसे ही जब मैं 7-8 साल का था जब स्टार्ट हुई थी, जैसे इंडिया में जनरली होती है गली में खेल के। फिर पापा ने जो पास में स्टेडियम था वहाँ पे ज्वाइन कराया, तो पापा साथ जाते थे, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में तो मम्मी और पापा का बहुत मेन रोल रहा है। पापा साथ जाते थे जब छोटा था, जैसे मैं अंडर 16-19 कोई एज ग्रुप नहीं खेला था, सीधा 23 खेला था। और पहले सीज़न मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था, तो पहले 2 मैच खेलने के बाद मैं ड्रॉप हो गया था। बट उसके बाद अगला सीज़न, नेक्स्ट सीज़न अपने पूरी और मेहनत से आया, और जो चीज़ें वहाँ पे मिस हुई थी वो करी, और एसोसिएशन ने सपोर्ट करा, तो अगले सीज़न मैं खेला। और अगले सीज़न मैंने 650-700 रन बनाए और 14-15 विकटें ली थी। तो उसी सीज़न फिर मेरा मुश्ताक अली में डेब्यू हुआ, तो उसके बाद जो जर्नी मेन स्टार्ट हुई वहाँ से हुई थी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ों का शौक़ था, तो बीच में सब कहते थे कि हाँ ऑलराउंडर में स्कोप अच्छा है, ये वो, टीम के लिए मैच विनर भी रहता है, तो हमेशा ऑलराउंडर में ही प्रेफर दिया। मेरा रोल मॉडल है हार्दिक पांड्या, पिछले कुछ टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। और वो जो इंडिया के लिए मतलब 6-7-8 नंबर पर जो आके बैटिंग करते हैं, मैं भी वहीं पर अपने आप को देखता हूँ, मेरा रोल भी वही है। तो जैसे वो मैच फिनिश करते हैं तो कोशिश करता हूँ मैं भी उस रोल पे काम करूँ और वैसे ही अपनी टीम के लिए मैच फिनिश करूँ। रिकी सर और दादा सर के साथ हमेशा बात होती रहती है, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जब भी बात करते हैं। बोलते हैं क्या भरोसा रख अपने ऊपर, जो भी जिस भी चीज़ से तू यहाँ पर आया है उस प्रोसेस पर फॉलो रख, अपना वही गेम खेल, तो हमेशा बैक करते हैं दोनों। इंडिया एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है सबके लिए। यहाँ से ही आप अच्छा करोगे तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा पाओगे, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर पाओगे और भी मतलब अपना नाम बना पाओगे, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लीग है मेरे लिए और एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। मेन गोल सब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो यही है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो वो मेन गोल है। और मेन टीम को जिताएंगे तो वो चीज़ें सारी अच्छी होती रहेंगी।